हियर वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया ब्लॉग। अभी टाइम हो चुका है 12:45 और अभी मैं निकल रही हूँ बाज़ार के लिए, क्योंकि फाइनली मैं जा रही हूँ घर। और घर जाने के लिए मम्मी ने कुछ सामान मंगाया है। क्या मंगाया अभी नहीं दिखाऊंगी, आने के बाद में दिखाऊंगी। খালি ডিম দিলে হবে না, ডিম দেখাও দিতে হবে। আমি তো সবার মতো দিতে পারবো না। गई हूँ घर पे और इतना गर्मी था ना, तो आके जल्दी जल्दी में मम्मी का कौन सा, तो जल्दी जल्दी में हम लस्सी बना के पी लिया। और अभी रीडिंग कर रहे हैं मेरे लिए पैकिंग, और क्या कुछ लाई हूँ बाद में दिखाती हूँ। क्योंकि आके ना मैं मतलब मछली पकेगी आज, तो उसको ना मतलब फ्राई करके रख दे रही हूँ, नहीं तो मतलब मुझे लग रहा है इतना गर्मी में खराब ना हो जाए, इस वजह से सब कुछ कर रही हूँ। तो ये पे हो रहा है मछली फ्राई, इसके बाद इसका साड़ी बनेगी, और इस साइड पे हो रहा है मेरा पैकिंग। ऑलरेडी देखो मेरा टिकट कल बना है, लेकिन बैग दो दिन से पैकिंग करके रख दिया कि तुम जाओ, मेरे जाने कितना जल्दी है। और ये देखो हम बेलून मठ गए थे उस टाइम पे हम लाए थे, एक राय के लिए है, मिम्मी के लिए है। कौन तो है, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी एक दे दो, ठीक है। और हाँ एक बैग भी लाई थी ये मैंने मम्मी के लिए, और हारिक के घर पे भी लेके भी लाई थी। तो ये सारा कुछ भी पैकिंग हो रहा है मेरे लिए। राय और कुल्फी कैसे मेरे बैग पे, उसके क्या कर रहा है, ओए 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 बदमाश कुकुर। तो देखो मेरा पैकिंग करते करते ये थक गए, ये एक बैग हुआ है, और ये पुचको के लिए खिलौना लाए थे, ये एक बैग है। कैसा लग रहा है, नाटक मत करो। लो मेरे प्रिया मुझको छोड़ के जा रही है, नाटक मत कर। मम्मी पापा के घर में, तो किसके घर में जाऊंगी। एक्चुअली अच्छा लग रही है, क्योंकि बहुत दिन के 7 महीना समथिंग इसके बाद, 7 महीना बोला मैंने, सुना 7 सात महीना के बाद शायद प्रिया जा रही है। प्रिया खुश है ना, तो बहुत खुश हूँ, आना ना लगे तो और भी अच्छा लगेगा। मत आ, तुमका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम नहीं आओ, तुम रहो ना रहो, कोई मेरा लाभ नहीं है मर्जी का। तो गाइस मैं तो घर जा रही हूँ, और उसके लिए मैं बाजार गई थी, क्या कुछ लाई हूँ वो आप लोगों को साथ अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी को मैंने जैसे ही पूछा कि मम्मी क्या लाऊंगी तुम्हारे लिए, तो मम्मी ये सब लाने के लिए बोला। देखो ये, देखो ये अंडा है, ये मम्मी ने लेने के लिए नहीं बोला था एक्चुअली, बहुत टाइम हो गया हमने ऐसे अंडे नहीं खाए। ये क्या बोलते हैं इसको, हाशिडी, उसका अंडा है। हमारे वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही निकलता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। इतना सारा लेके नहीं जाऊँगी, कुछ यहाँ पे भी रहेंगे, ये लेके जाऊँगी। और ये तो सबको पता है बेल, मैं जब भी घर जाती हूँ, पिछले साल भी गई थी उस टाइम पे भी मम्मी ने ही मुझे मंगा था, तो ये लेके जा रही हूँ। और ये नींबू है, ये घर के लिए है, और साथ में लेके जाऊँगी ये कच्चा आम। देखो मम्मी का डिमांड, बेल और मैंगो लेके आना, कच्चा मैंगो। मम्मी का यही डिमांड होता है जब भी मैं घर पे जाती हूँ ना, हमेशा यही डिमांड होता है, तो और क्या कर सकती हूँ, मम्मी का डिमांड मैंने पूरा कर दिया। तो अभी खाना भी वहाँ पे बन रहा है, मैं बैठे के आई हूँ, और यहाँ पे सारा काम मतलब पैकिंग वैकिंग हो जाएगी, तो उसके बाद मैं नहा के रेडी हो जाऊँगी। तो चलो लंच करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस हम नहा के आ गए, रिक तो पूजा दे दिया, और मेरा आज इतना काम हो गया ना, क्योंकि कल क्योंकि घर जा रही हूँ, तो सारा काम मुझे करके देना हो रहा है। मैंने ये भी बोला था कि 2 दिन के लिए खाना बना के जाऊँ, लेकिन कल मंगलवार है, भेज है, तो उसका प्रैक्टिस भी है, तो इस वजह से बोला नहीं तुम जाओ, मैं कुछ ऐसे उसे बना के खा लूँगी। और आज तो बहुत कुछ बना लिया, अभी रिक बना रहे हो पे, मतलब रिक नींबू वगैरह काट रहा है, लेकिन मेरा मैं जाऊँगी ना, इस वजह से टिफिन वगैरह भी रिक ही बना रहा है, सब कुछ आज काम रिक का ही है, पैकिंग भी सब कुछ कर दिया मैंने, बस खाना बनाया और जितना भी सब कुछ मतलब ठीक ठाक करके रखना होता है वो मैं रख रही हूँ। अभी देखो आज लंच पे बना है ये मछली, और भी एक था कुल्फी को मैंने दे दिया, और ये पटुल की सब्जी, ये क्या बोलते हैं इसको, चटनी समझ लो, बंगाली में टॉक कहते हैं। तो ये आज का हमारा लंच, और इतने सारे कपड़े मैंने धो के रख दिया
कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी काट रहा है। बाकी आज क्या बोलूँ, ऐसा करके रख दिया देखा किचन को मैंने, इतना सारे बर्तन धो के रख दिया, सब कुछ कर दिया। तो देखो फ्राइड राइस बनेगा, इसके लिए देखो जितना सारा सब्जी चाहिए सारा कुछ कट के रख दिया, बस बनेगा रेडी। चलो अभी लंच करते हैं। अंडा करी बन रहा है, रिक ने तो बना के नहीं दिया, लेकिन इसको मन पसंद थे मटर का दाना दिया दिया, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मतलब नाम मेरा काम इसका। ये बन गया, और आज सुबह से मेरा किचन से कोई छुट्टी बगाड़ा ही नहीं हो रहा है, इतना सा भी मेरा दर्द समझ नहीं आता। मैं जब भी घर जाती हूँ मेरा खुशी जितना होता है उससे भी ज्यादा काम बढ़ जाता है, या फिर जो भी ये सब है इसको सारा कुछ संभाल के जाना होता है। मैं घर का इसको कुछ नहीं पता है, किचन का तो कुछ नहीं पता है, तो सारा कुछ संभाल के फिर जाऊंगी। अभी 4:30 बज गया है, मैं निकलूंगी 6:30 बजे, थोड़ा पहले निकल जाऊंगी। तो चलो गाइस मिलती हूँ जाने के टाइम, क्योंकि बहुत अभी तक बहुत काम है, बहुत काम। तो काम धाम करके एक बार मैं रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और मेरा मोबाइल पे ना चार्ज नहीं है, चार्ज लेकर लगा के बैग ओ पड़े। अरे तू जा भी ना कुपी, ও ভাবছে কি ওই যে ব্যাগগুলো মানে ও ঢুকবে। কুলফি টাটা টাটা মামা টাটা, ওরে ওরে বাবা, আমি চলে আসবো, দুদিনে চলে আসবো, খেলনা নিয়ে আসবে। ওই ব্যাগ লেকে কুলফি কো লেকে যাওঙ্গি, তো পিছাই নেই ছোড় রা হ্যায়, মুঝে ভি আচ্ছা নেই লাগ রা একদম। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी 6:30 बजने को आया है और मैं अभी निकल जल्दी आ जाना, ठीक है। तो 10 का टाइम है, 7:12 में शायद से होगा, मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ, नहीं तो एक बार रीक के वजह से लेट हो गया था, उसके बाद से मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ। तो चलो अभी मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते अभी, नहीं होगा। चलो टाटा कुल्फी। तो प्रिया को देखो गाइस, एक पैर बैर उठा के एकदम बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा ट्रेन खाली है। जोर से बोलो जय माता दी। फोन को उल्टा करके ऐसे दिखाने से काम नहीं होता, क्योंकि दिखाई नहीं, मैं दिखा रही हूँ। बोलो ये देखो, ये साइड पे बैठे हैं लेकिन कोई नहीं है, पूरा ट्रेन खाली है। दम दम चलो। Thank you.
तो गाइज अभी रात के बज चुके हैं 10 और मैं बहुत दूर भी आ गई हूँ। तो थोड़ी टाइम नीचे बैठने के बाद मैं उठ के अपना जो टिफिन रीत ने पैक करके दिया था वो सारा खा के सो रही हूँ। और सच बोलो तो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब सुबह होगा और मैं उतर जाऊँगी। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती, दोनों मैनेज करके ही चलना होगा। तो चलो गाइज कुछ दिन आप लोगों को मेरा घर का ब्लॉग मिलेगा। आज के लिए बाय बाय, मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में।